अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट किया है जो 1 सितंबर से लागू हो चुका है। इस एक्ट के तहत जो डेली रूटीन लाइफ में हम लोग ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन करते रहते थे, जैसे कि हेलमेट ना पहनना, सीट बेल्ट ना लगाना, ओवर स्पीडिंग करना, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना, ट्रिपलिंग करना वगैरह वगैरह जैसी चीज़ों पर नॉर्मली 100 से 500 या मैक्सिमम 1000 रुपये तक का चालान कटा करता था। लेकिन अब इस अमेंडमेंट के बाद जितने अमाउंट का चालान पहले कटा करता था, अब उससे 10 से 20 गुना ज़्यादा अमाउंट का चालान कटा करेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ ट्रैफिक रूल्स के कॉमन वायलेशंस बताने वाला हूँ जिन पर पहले कितना चालान कटा करता था और अब इस अमेंडमेंट के बाद कितना कटा करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं और पकड़े जाते हैं तो सेक्शन 181 के तहत पहले 500 रुपये का चालान कटा करता था, लेकिन अब इस अमेंडमेंट के बाद 5000 रुपये का चालान कटा करेगा। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं और उसके बाद भी अगर आप गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो सेक्शन 182 के तहत पहले 500 रुपये का चालान कटा करता था, लेकिन अब इस अमेंडमेंट के बाद 10000 रुपये का चालान कटा करेगा। इसी तरह से अगर आप स्पीड लिमिट के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं, ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, तो सेक्शन 183 के तहत अभी तक 400 रुपये का चालान काटा जाता था, लेकिन अब इस अमेंडमेंट के बाद अगर आप लाइट मोटर व्हीकल यूज़ कर रहे हैं तो 1000 से 2000 रुपये तक का चालान काटा जाएगा, और अगर आप मीडियम पैसेंजर व्हीकल यूज़ कर रहे हैं तो 2000 से 4000 रुपये तक का चालान काटा जाएगा। इसी तरह से अगर आप रैश ड्राइविंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो सेक्शन 184 के तहत अभी तक 1000 रुपये का चालान काटा जाता था, लेकिन अब इस अमेंडमेंट के बाद अगर आप ऐसा करते हुए पहली बार पकड़े जाते हैं तो 1000 से 5000 रुपये तक का चालान काटा जाएगा, या फिर 6 महीने से 1 साल तक के लिए जेल में भेजा जा सकता है, या फिर ये दोनों ही किए जा सकते हैं। और अगर दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो 10000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है, या फिर 2 साल तक के लिए जेल में भेजा जा सकता है, या फिर ये दोनों ही किए जा सकते हैं। अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो सेक्शन 185 के तहत अभी हाल फिलहाल तक 2000 रुपये तक का चालान काटा जाता था, लेकिन अब इस अमेंडमेंट के बाद अगर आप ऐसा करते हुए पहली बार पकड़े जाते हैं तो 10000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है, या फिर 6 महीने के लिए जेल भेजा जा सकता है, या फिर ये दोनों ही किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऐसा करते हुए दूसरी बार भी पकड़े जाते हैं तो 15000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है, या फिर 2 साल तक के लिए जेल भेजा जा सकता है, या फिर ये दोनों ही किए जा सकते हैं। अगर आप रेसिंग करते हुए पकड़े जाते हैं, फिर वो चाहे 4-व्हीलर हो या फिर 2-व्हीलर, तो सेक्शन 189 के तहत अभी हाल फिलहाल तक आपका 500 रुपये का चालान काटा जाता था, लेकिन अब इस अमेंडमेंट के बाद अगर आप ऐसा करते हुए पहली बार पकड़े जाते हैं तो आपको 1 महीने तक की जेल सुनाई जा सकती है, या फिर 500 रुपये का चालान किया जा सकता है, या फिर ये दोनों ही किए जा सकते हैं। और अगर ऐसा करते हुए आप दूसरी बार भी पकड़े जाते हैं तो आपको 1 महीने की जेल सुनाई जा सकती है, या फिर 10000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है, या फिर ये दोनों ही किए जा सकते हैं। अगर आप पैसेंजर्स की ओवरलोडिंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो सेक्शन 194A के तहत पर पैसेंजर आपके ऊपर 1000 रुपये का चालान काटा जाएगा। मतलब कि मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी की कैपेसिटी 5 पैसेंजर्स की है और आप 7 पैसेंजर्स को बैठा ले हुए हैं तो आपके ऊपर 2000 रुपये का चालान काटा जाएगा उन एक्स्ट्रा 2 पैसेंजर्स की वजह से। इसके अलावा अगर आप सामान की ओवरलोडिंग करते हुए पकड़े जाते हैं, जो कि अक्सर ट्रक या फिर ट्रैक्टर्स में देखने को मिल जाता है, तो सेक्शन 194 के तहत अभी हाल फिलहाल तक 2000 रुपये का चालान काटा जाता था, उसके बाद में 1000 रुपये पर टन के हिसाब से और चालान काटा जाता था, लेकिन अब इस अमेंडमेंट के बाद 20000 रुपये का चालान काटा जाएगा और उसके ऊपर से 2000 रुपये पर टन का और चालान काटा जाएगा। अगर आप अपनी 4-व्हीलर में बिना सीट बेल्ट लगाए हुए पकड़े जाते हैं तो सेक्शन 194B के तहत अभी हाल फिलहाल तक सिर्फ 100 रुपये का चालान काटा जाता था, लेकिन अब 1000 रुपये का चालान काटा जाएगा। अगर आप अपनी 2-व्हीलर में ओवरलोडिंग करते हैं, फिर वो चाहे सामान की हो या फिर पैसेंजर्स की, जैसे कि आमतौर पर ट्रिपलिंग देखने को मिलती है, एक ही 2-व्हीलर पर 3 लोग बैठ के जा रहे होते हैं, तो इस तरह की कंडीशन में सेक्शन 194C के तहत अभी हाल फिलहाल तक 100 रुपये का चालान काटा जाता था, लेकिन अब इस अमेंडमेंट के बाद 2000 रुपये का चालान काटा जा सकता है
इसके अलावा 3 महीने के लिए आपका लाइसेंस भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है। अगर आप अपनी 2-व्हीलर बिना हेलमेट लगाए चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो सेक्शन 194D के तहत हाल फिलहाल तक 100 रुपये का चालान काटा जाता था, लेकिन अब 1,000 रुपये का चालान काटा जाएगा और साथ में 3 महीने के लिए आपका लाइसेंस डिसक्वालीफाई भी हो सकता है। अगर आप किसी भी इमरजेंसी व्हीकल को, फॉर एग्जांपल किसी एम्बुलेंस को, अगर रास्ता नहीं देते हैं, उसका रास्ता रोक के रखते हैं, चाहे वो जाने में या फिर अनजाने में, तो सेक्शन 194E के तहत आपके ऊपर 10,000 रुपये का चालान काटा जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आमतौर पर ऐसा कई बार देखने को मिल जाता है कि एम्बुलेंस रेगुलरली सायरन दे रही होती है, लेकिन फिर भी आगे चल रही गाड़ी अपनी जगह से नहीं हटती। इस तरह के लोगों का 10,000 के या 20,000 रुपये तक का चालान कटना ही कटना चाहिए। अगर आप बिना इंश्योरेंस के या फिर एक्सपायर्ड इंश्योरेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो सेक्शन 196 के तहत अभी हाल फिलहाल तक 1,000 रुपये का चालान काटा जाता था, लेकिन अब इस अमेंडमेंट के बाद ऐसा करते हुए पहली बार पकड़े जाने पर 1,000 से 2,000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है, या फिर 3 महीने तक की जेल सुनाई जा सकती है, या फिर ये दोनों ही किए जा सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हुए दूसरी बार भी पकड़े जाते हैं तो 4,000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है, या फिर 3 महीने तक की जेल सुनाई जा सकती है, या फिर ये दोनों ही किए जा सकते हैं। जुवेनाइल्स जो कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं, उनके पेरेंट्स उनको अलाउ कर देते हैं और वो लोग अपने मनचाही तरीके से रैश ड्राइविंग करते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, एक्सीडेंट करते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब इस एक्ट में किए गए अमेंडमेंट के बाद ऐसा करने के पहले कोई भी 25 बार सोचेगा, क्योंकि अगर ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन करते हुए कोई भी जुवेनाइल पकड़ा जाता है तो सेक्शन 198 के तहत उसके गार्जियन या फिर उस गाड़ी के ओनर के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगर वो गिल्टी पाया जाता है तो 25,000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है और साथ ही में 3 साल तक की जेल भी सुनाई जा सकती है। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, इसके बाद में उस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन को 1 साल तक के लिए निरस्त कर दिया जाएगा और उसके बाद में उस गाड़ी का वापस से नया रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा। इतना ही नहीं, जो जुवेनाइल है वो 25 साल की उम्र तक अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बनवा सकता। अगर आप ट्रैफिक सिग्नल्स को तोड़ते रहते हैं, हरी बत्ती लाल बत्ती पर ध्यान नहीं देते हैं, तो अब थोड़ा समझ जाइएगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल तक तो पहली बार ऐसा करने पर 100 रुपये का फाइन होता था और दूसरी बार या फिर बार बार ऐसा करने पर 300 रुपये का फाइन होता था। लेकिन अब इस अमेंडमेंट के बाद में ऐसा करते हुए पहली बार पकड़े जाने पर 1,000 से 5,000 रुपये तक का फाइन काटा जा सकता है, या फिर 6 महीने से 1 साल तक की जेल सुनाई जा सकती है, या फिर ये दोनों ही किए जा सकते हैं। और अगर ऐसा करते हुए आप दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो 10,000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है, या फिर 2 साल तक के लिए जेल भेजा जा सकता है, या फिर ये दोनों ही किए जा सकते हैं। कई लोगों को शौक होता है अपनी गाड़ी में तेज़ आवाज़ वाला हॉर्न लगाने का, ताकि जब हम हॉर्न बजाएं तो पूरी दुनिया पलटकर हमें देखे। इसी तरह से कई लोगों को, खासकर बुलेट चलाने वाले लोगों को, शौक होता है अपनी गाड़ी में साइलेंसर लगाने का, जो बहुत तेज़ आवाज़ करता है, पटाखे की आवाज़ निकालता है। इस तरह के लोगों के लिए बुरी खबर है, अगर आप ऐसा करते हुए पहली बार पकड़े जाते हैं तो 1,000 रुपये का चालान काटा जा सकता है, और अगर आप दूसरी बार या फिर बार बार पकड़े जाते हैं तो 2,000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है। अगर आप गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन पर बात करते हुए पकड़े जाते हैं, या फिर गलत ओवरटेक करते हुए पकड़े जाते हैं, या फिर रॉन्ग साइड गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं, तो अभी हाल फिलहाल तक 1,000 रुपये का चालान काटा जाता था, या फिर 6 महीने की जेल सुनाई जा सकती थी, या फिर ये दोनों ही किए जा सकते थे। लेकिन अब इस अमेंडमेंट के बाद में 1,000 से 5,000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है, या फिर 6 महीने से 1 साल तक की जेल सुनाई जा सकती है, या फिर ये दोनों ही किए जा सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हुए बार बार पकड़े जाते हैं तो 10,000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है, या फिर 2 साल तक की जेल सुनाई जा सकती है, या फिर ये दोनों ही किए जा सकते हैं। अगर आप बिना टिकट के ट्रैवल करते हुए पकड़े जाते हैं तो अभी तक 200 रुपये का चालान काटा जाता था, लेकिन अब 500 रुपये का काटा जाएगा। अगर आप मेंटली या फिर फिजिकली अनफिट हैं गाड़ी चलाने के लिए, लेकिन फिर भी गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं, तो अभी हाल फिलहाल तक ऐसी गलती करने पर पहली बार में 200 रुपये का चालान काटा जाता था, और दूसरी बार में या फिर बार बार गलती करने पर 500 रुपये का काटा जाता था, लेकिन अब
ऐसा करते हुए पहली बार पकड़े जाने पर 1,000 रुपये का चालान काटा जाएगा और दूसरी बार या फिर बार बार 2,000 रुपये का चालान काटा जाएगा। कई लोगों को आपने देखा होगा कि रोड के बीच में गाड़ी पार्क कर जाते हैं या फिर गाड़ी रोक कर अपना मोबाइल चलाते रहते हैं या फिर किसी से भी बात करते रहते हैं। इस तरह के लोगों के लिए एक और बुरी खबर है कि हाल फिलहाल अभी तक तो ऐसा करने पर सिर्फ 50 रुपये का चालान काटा जाता था, लेकिन अब अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो 500 रुपये का चालान काटा जाएगा। इसके अलावा इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को लागू करने वाले लोग, मतलब कि पुलिस या फिर किसी भी तरह की एनफोर्सिंग एजेंसीज, अगर इसी तरह के ट्रैफिक वायलेशंस करती हैं तो उनके लिए ये सभी पेनल्टीज़ डबल हो जाएंगी। तो चलिए, ये तो हो गई वो सभी पेनल्टीज़ जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब बात कर लेते हैं इसी एक्ट में किए गए कुछ और अमेंडमेंट्स के बारे में। अगर आप किसी तरह का डॉक्यूमेंटेशन कराना चाहते हैं तो वो पहले से काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया गया है। अगर आप लाइसेंस बनवाना चाहते हैं या उसकी डिटेल्स में कोई चेंज कराना चाहते हैं तो आप किसी भी स्टेट के RTO ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है, उसे रिन्यू कराना है, तो एक्सपायर होने के 1 साल पहले या फिर एक्सपायर होने के 1 साल बाद तक आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करा सकते हैं, जबकि पहले सिर्फ 1 महीने का समय दिया जाता था। और अगर आपके पास कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस है तब भी आपके लिए अच्छी खबर है, वो ये कि आपको हर 3 साल में अपना लाइसेंस रिन्यू नहीं कराना पड़ेगा। इस ड्यूरेशन को बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। तो चलिए, मैंने इस एक्ट में किए गए कुछ कॉमन अमेंडमेंट्स के बारे में आपको जानकारी दे दी है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आप इन चालान के अमाउंट को 10 गुना से 20 गुना तक बढ़ाने के सरकार के फैसले से सहमत हैं या फिर नहीं। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।